Good morning, children. Hope you all are fine. Welcome to Angan Public School online teaching classes. आज मैं आपको लेक्चर नंबर 18 में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. सीधा क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई. यानी कि आपके पास दो पैरेललोग्राम दिए हैं. हर एक पैरेललोग्राम में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन का आपका पैरेललोग्राम इस तरह से उन्होंने दिया है. क्या है? जी यू एन एस इज ए पैरेललोग्राम. इसकी मेजरमेंट देखिए किस तरह से दी है. यहाँ पे आपको जी यू लाइन सेगमेंट जी यू का मेजरमेंट है 3/-1 और यू एन की मेजरमेंट है 18, एन एस की मेजरमेंट है 26, एस जी की मेजरमेंट है 3x. अब आपसे क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो आपको तो मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई है ना. आप आपको उसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए पैरेललोग्राम में पहले तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइड की मेजरमेंट दी है. और पैरेललोग्राम की साइड की प्रॉपर्टी कैसी क्या कहती है? पैरेललोग्राम के साइड की प्रॉपर्टी ए कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना. हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना. तो चलिए हम पहले लिखेंगे गिवेन जी यू एन एस इज ए पैरेललोग्राम, है ना. पैरेललोग्राम. अब प्रॉपर्टी क्या है, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कैसे होती हैं, इक्वल, है ना. इक्वल होती है ना, यस. अब बताइए तो यहाँ पे कौन सी साइड अपोजिट है एक दूसरे की. देखिए जी यू इज अपोजिट टू एस एन, है ना. दैट इज जी यू इज इक्वल टू एस एन, है ना. एंड ये वाली साइड इसकी इक्वल है. ये दोनों सामने सामने हैं, अपोजिट है. जी एस इज इक्वल टू यू एन. ओके, अब चलिए कीजिए जी यू का मेजरमेंट क्या है, 3/-1 इज इक्वल टू एस एन. एस एन की मेजरमेंट कितनी है, 26. तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. मैं क्या करती हूँ, 3y को यहीं पे रख देती हूँ. 26 ये राइट साइड आ जाएगा तो +1 हो जाएगा. 3y इज इक्वल टू 26 +1 27. y इज इक्वल टू 27/3. आर यू गेटिंग, आप लोगों को समझ में आ रहा है. अब देखिए 3 1 3 9 तो y इज इक्वल टू 9. हमने y की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. इसे सॉल्व करने के लिए जी एस का मेजरमेंट क्या है, 3x. यू एन की मेजरमेंट कितनी है, 18. तो x को यहीं पे छोड़ दीजिए, 18/3. 3 1 3 6 तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 6. आ गई आपकी वैल्यू, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू 9. हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की. ओके, ये था फिगर नंबर 1. अब फिगर 2 देखिए, ये है आपका फिगर 2. इस फिगर 2 में मेजरमेंट कैसे दिया है आपको देखना है ध्यान से. पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो अंदर वाली लाइन है, एन से आर से स्टार्ट हो रही है और ये एस से यू तक स्टार्ट हो रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, यस डायगोनल, है ना. हम इस लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल. अब बताइए पैरेललोग्राम में डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या थी, यस क्या है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, इज इट. तो जब आप बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि देखिए इसका मेजरमेंट कैसे दिया है, पहले ये देखिए यहाँ पे ये हमारी ऑफ लाइन 20 मेजरमेंट और बाकी की ऑफ लाइन
फाइव प्लस सेवन मेजरमेंट, ओके। फिर बाइसेक टीचर मतलब दोनों इक्वल पार्ट होते हैं, यहाँ पे 16 है और ये x प्लस वाई, ओके ना। चलो अब लिखते हैं, गिवेन इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, आर यू एन एस इज ए पैरेललोग्राम, है ना, ये पैरेललोग्राम है। अब आर यू एन एस इज ए पैरेललोग्राम और हमें क्या पता है, इन पैरेललोग्राम यहां पे हमें डायगोनल की मेजरमेंट दी है, इसलिए हम डायगोनल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज पहले इस वाले डायग्राम के बारे में देखिए, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, फिर ये वाला देखेंगे तो y प्लस सेवन इज इक्वल टू 20। आप क्लियर हो, x प्लस वाई 16, y प्लस सेवन 20, है ना, ये है डायग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं पहले इसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 20 माइनस सेवन, y इज इक्वल टू 20 माइनस सेवन करेंगे तो कितना आएगा, 13, तो यहां से तो मुझे y की वैल्यू पता चल गई, ओके। अब इसे सॉल्व करना है, अब देखिए एक ही वेरिएबल है तो सॉल्व करने का इजी होगा है, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो y है, हमें y की वैल्यू कितनी आई, 13, यानी कि मैं y की जगह पे 13 लिख सकती हूँ, y कितना था हमारा 13 इज इक्वल टू 16, तो 13 x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 x इज इक्वल टू 3, therefore x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13। आपको समझ में आया, यहाँ पे x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वाली y इज इक्वल टू 13 इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की है, ओके। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख दीजिए, सीन्स y इज इक्वल टू 13, तभी हमने यहाँ पे 13 लिखा है, ओके ना। यह है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.38 का, ओके। अब हम क्वेश्चन 9 करते हैं, क्वेश्चन 9 देखिए, देखने में फिगर तो बहुत ही बड़ा है ना। अब इस फिगर में मेजरमेंट भी उसी तरह से कन्फ्यूशन वाले दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिए फिगर तो लेटर्स बहुत सारे यूज हुए हैं, आर आई सी एल यू एस ई के क्यू। अब यहाँ पे एंगल के का मेजरमेंट उन्होंने दिया है 120 डिग्री, ओके। एंगल एल का मेजरमेंट उन्होंने दिया है 70 डिग्री और यहाँ पे ये वाला ई क्यू एस ये बीच वाले एंगल का मेजरमेंट दिया है यक्स। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको इन द एबो फिगर आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ये खुद कह रहा है कि इस बड़े से फिगर में दो पैरेललोग्राम को कंबाइन किया है, कौन से, आर आई एस के, आर आई एस के। तो थोड़ी देर के इसे क्लोज कीजिए, अब देखिए ये आर आई एस के ये एक पैरेललोग्राम है ना। अब थोड़ी देर के लिए आप इसे क्लोज करेंगे ऐसे, सी एल यू ई ये एक पैरेललोग्राम है। अब आपको दो पैरेललोग्राम को एक साथ देख के बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, ओके ना। आपको ध्यान रखना है, तो चलिए पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, गिवन आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैरेललोग्राम, उन्होंने खुद दिया है, ये दिया है ना आर पैरेललोग्राम, ओके। अब पहले मैं आर आई एस के इस पैरेललोग्राम को लेके थोड़ा प्रॉब्लम करूंगी, उसके बाद देखते हैं इन
ये मैं सिंबल बना देती हूँ पैरेललोग्राम का, ठीक है। इन पैरेललोग्राम आर आई एस के, देखिए मैं रफली यहाँ पे लिख देती हूँ आपको समझ में आए, इसलिए ऐसे है हमारा आर आई एस के का पैरेललोग्राम। जब आप इस डायग्राम में से देखेंगे, देखिए आर आई एस के है ना, ये वाला लाइट, तो यहाँ पे आर आई एस के हमें क्या दिया है, के की दी है, के का मेजरमेंट दिया है ना, बाकी मेजरमेंट इसमें नहीं है। आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। अब देखिए इसे यूज करके हम क्या करेंगे, आर आई एस के दिया है तो इसमें से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास देखिए ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो के और आई इक्वल है। एक्चुअली हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट ये है कि हमें इस एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप देखेंगे ई क्यू एस एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, बन रही है ना यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमारे पास कितनी एंगल्स होती है, थ्री एंगल, एंगल एस, एंगल ई और एंगल क्यू, है ना। अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले आप एस और ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सम ऑफ द एंगल्स 360 डिग्री, एंगल एस प्लस एंगल ई प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा, आएगा ना। उससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो मैं इस पैरेललोग्राम को यूज करके पहले मैं ये यस एंगल यस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, यानी कि मैं यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है ना। हाँ, तो देखिए के और यस एक दूसरे के कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल। तो चलिए सिंस एंगल के प्लस एंगल यस कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, सिंस एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। ओके, मैंने इस एंगल के की मेजरमेंट जो उन्होंने दी है उस मेजरमेंट को यूज करके, एंगल के की मेजरमेंट उन्होंने जो दी है उसे यूज करके मैंने ये वाली एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट कर ली। तो कितना आएगा, एंगल के का मेजरमेंट कितना है, 120 डिग्री प्लस एंगल यस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल यस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल यस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एंगल यस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आई 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 60 डिग्री करके, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पहले क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक से कॉपी कर लीजिएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वैल्यू उन्होंने दी है, ये वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, हमने फाइंड आउट की है उसके बाद ही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये है एंगल एस। अब देखिए, अब मैं सी एल यू ई पैरेललोग्राम लूंगी, एंगल एल की वैल्यू यूज करके एंगल ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी, है ना। चलिए आपको डायग्राम दिख रहा है ना, बस इतना सा देखिए आप, अभी थोड़ी देर के लिए आप इतना सा देखिए। इन कौन सा पैरेललोग्राम, सी एल यू ई पैरेललोग्राम। अब देखिए साइड में सी एल यू ई पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देखिए कैसा आएगा, मेरा छोटा सा ही ड्रॉ कर रही हूँ, सी एल यू ई और आपके मेजरमेंट में क्या दिया है, एल की वैल्यू दी है। इसे यूज करके, एल की वैल्यू यूज करके मैं ये ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। ई और एल कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स कैसी होती हैं, इक्वल, है ना। एंगल एल, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल, क्यों, सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर यू क्लियर। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल एल की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। तो आपको एंगल ई की वैल्यू भी पता चल गई, कितनी आई, 70 डिग्री। देयरफॉर अब आपको यहां देखिए, मैं छोटा सा ट्राइंगल लेती हूँ, इन ट्राइंगल
कौन से ट्राइंगल हम लेंगे, ई क्यू एस, और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ सो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, हमारे फिगर में ये ट्राइंगल कैसी है, ए वाली, ये वाली ट्राइंगल हमारी कैसी है, इस तरह से यहाँ पे ई है, एस है, और यहाँ पे क्या है, क्यू। हमें एस की वैल्यू कितनी मिली थी, यहाँ पे हमने एस की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी, 60, और ई की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड आउट की, 70, और यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, एक्स। ओके, और हमारे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग से कंडीशन क्या है, सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। सिंस सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री इन ट्राइंगल, तो एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एंगल ई की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, एंगल एस की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और एंगल एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 60 प्लस 70 कितना आएगा, 130 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 130, 50 डिग्री। फाइनली हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। आपको समझ में आया, मैं आपको एक बार फिर रफली बता देती हूँ। यहाँ पे हमें दो पैरेललोग्राम दिए हैं, मैंने इस फिगर को, ये बड़े वाले फिगर को टू पीसेस में डिवाइड कर दिया, एक पैरेललोग्राम और दूसरा पैरेललोग्राम। ओके, इसे डिवाइड करने के बाद हमने एस और ई की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया और उस ट्रायंगल को लेके कंसिडर किया और एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके ना, यह है प्रॉब्लम नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अब आपको पहले तो ट्रेपीजियम का डेफिनेशन याद आना चाहिए, क्या है ट्रेपीजियम का डेफिनेशन, ट्रेपीजियम का कंडीशन क्या है, कि आपके क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, या तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए या तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अगर कोई भी वन पेयर ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, मतलब कोई भी दो साइड्स अगर पैरेलल है तो उसे कहेंगे ट्रेपीजियम। ओके, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फिगर इन्होंने दिया है, ये फिगर ट्रेपीजियम है, यानी कि ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, कि अपोजिट साइड्स, कोई भी एक अपोजिट साइड्स पैरेलल, या तो एम एल पैरेलल टू एन के होनी चाहिए, के एल पैरेलल टू एन एम होनी चाहिए। तो चलो इस मेजरमेंट को यूज करके हमें बताना है ना। तो देखिए मेजरमेंट क्या दिया है, एल और एम, तो हम क्या कहेंगे, सिंस एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो रहा है ना। देखिए दैट इज 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, सिंस एंगल एम एंड एंगल एल आर, एंगल दैट इज एंगल एम एंड एंगल एल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है, कि वो दोनों एक दूसरे की सप्लीमेंट्री एंगल है। जब एंगल एल और एंगल एम को आपने प्लस किया तो आपको कितना आया, 180 डिग्री आया। इससे ये कह रहा है कि एंगल एल और एंगल एम क्या है, वो एक दूसरे की सप्लीमेंट्री है। अगर वो दोनों एक दूसरे की सप्लीमेंट्री हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयरफोर एन एम पैरेलल टू के एल, लाइन सेगमेंट एम एल पैरेलल टू के एल। अब 180 हो गया, मतलब पैरेलल हो जाएंगे, क्यों पैरेलल हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर
सप्लीमेंट। ये है कंडीशन, अगर आपकी इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होती है तभी हम कहेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। देखिए अगर ये लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा दूँ तो इस तरह से इंक्रीज होगा, और ये इस लाइन को बढ़ा दूँ इस तरह से इंक्रीज होगा, और ये हो जाएगा उसका ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल कैसी होंगी? इंटीरियर एंगल। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ बताती हूँ, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन क्या है एन एम, और ये लाइन क्या है एल एम, है ना। मैंने ये कहा कि एम एन एम पैरेलल टू के एम, ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल है करके मैंने बोल दिया, सिर्फ इतना सा कंडीशन देख के। क्यों कहा? क्योंकि इसे मैंने ले लिया ट्रांसवर्सल, इसको ही मैंने ट्रांसवर्सल बना दिया। ओके, अब देखिए एंगल एम 100 है, एंगल एल भी 80 है, और ये एंगल एक दूसरे की कैसी है? जब आप इसकी लाइन को बढ़ाएंगे तो अंदर है, अंदर यानी कि इंटीरियर। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है ना, सेम साइड ऑफ द एंगल इज सप्लीमेंट्री, है ना। ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में, इंटीरियर एंगल एक साइड में कैसी होती है? सप्लीमेंट्री होती है, इसलिए वो दोनों लाइन पैरेलल है। अब इससे हमने क्या कहा, एक लाइन तो हमने पैरेलल बता दी ना, एक पेयर को, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ के एल एम एन इज पैरेलल, कोई भी एक पेयर पैरेलल होकर है करके हमने बता दी। देयरफोर हम क्या कह सकते हैं, के एल एम एन इज ए, क्या है ये? ट्रेपीजियम। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, हमने बता दिया कि एक लाइन पैरेलल है, और हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग से कोई भी एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए, इसलिए ये ट्रेपीजियम है करके हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटर का सिंबल आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी, आपको ये वाली एंगल सी का मेजरमेंट बताना है, और कंडीशन इन्होंने खुद दिया है कि ए बी पैरेलल टू डी सी। अभी मैंने हमने किया था, हमने क्या किया था, जब आपको दो लाइन पैरेलल है करके बतानी है तो ट्रांसवर्सल की इंटीरियर एंगल कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो वही कंडीशन में ये वाला यूज करती हूँ। इन्होंने क्या कहा, ये दो लाइन पैरेलल है। अगर आप जैसे कि इस फिगर को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करूं इस तरह से, इन्होंने क्या कहा, ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर दूं तो ये बी सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, क्योंकि डी सी पैरेलल टू ए बी करके बताया हुआ है, इन्होंने खुद दिया है। तो ये बी सी कैसा हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, और इन्होंने एंगल क्या दी है, 120 डिग्री। एंगल सी इन्होंने नहीं दिया है, हमारा कंडीशन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल सीन्स एंगल सी एंड एंगल बी आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सी और बी इंटीरियर एंगल है, और वो भी एक साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो उनके कैसे होते हैं वो, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होती हैं। चलिए देखिए, गिवन ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना, एंड एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, इसलिए दैट इज एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B की मेजरमेंट कितनी दी है उन्होंने, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया है, तो 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। देयरफोर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके,
एंगल बी और एंगल सी जो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सर है, इसलिए वो कितना होगा 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री है इसलिए हमने इन्हें सम करके 180 डिग्री लिया है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करती हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू विद द न्यू प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई है ना। टेक केयर एवरीवन, स्टे एट होम।